प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अधर हूँ आप सबके बिन। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सत्या। वेलकम टू सत्या बायोलॉजी चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है, जिस पिक्चर का ट्रेलर के बारे में बात करने वाला हूँ, उस पिक्चर का नाम है द स्काई इज पिंक। इस पिक्चर में प्रियंका चोपड़ा और सायरा वसीम और रोहित शराफ और फरहान अख्तर दिखाई देते हैं। जैसे फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा काफ़ी अच्छा इस ट्रेलर में दिखाई देते हैं, और एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह, जैसे दो लड़के लड़कियों के बीच, लड़के लड़कियों के बीच जो प्यार होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। और दोनों के बीच प्यार बढ़ के फिर शादी होता है, शादी के बाद दो बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद ही इसमें प्रॉब्लम चालू होता है। जैसे जायरा वसीम उनकी बेटी की रोल करती है, और रोहित शराफ जो है उनके बेटे के रोल करते हैं। दरअसल ये पिक्चर का ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, एक फैमिली मूवी की तरह कह सकते हैं। दरअसल जिस तरह एक परिवार अपनी बेटी के लिए, माँ बाप अपने बेटी के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, उसकी बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी कुछ मशक्कत करते हैं, काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं, काफ़ी बहुत मुश्किलों को उनको झेलना पड़ता है अपने बेटी को बचाने के लिए। दरअसल उन्हें एक पेशेंट होती है, एक बीमार पेशेंट होती है, और उन्हें किसी भी हालत में बचाना होता है, और उन्हें किसी भी तरह इलाज करा के अपने बेटी को बचाना होता है। बाकी का ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा फैमिली है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी पिक्चर का ट्रेलर मेरे को अच्छा लगा। द स्काई इज पिंक, इससे पता चल जाता है कि ये फीमेल से रिलेटेड है, और ये जो है थोड़ा फैमिली को टारगेट, फैमिली कस्टमर्स और फैमिली ऑडियंस को टारगेट करके ही इस पिक्चर को बनाया गया है। वाकई ये पिक्चर का ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, बेल बटन को क्लिक कीजिएगा। मुझे ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। अगर एक फैमिली मेंबर्स है और एक परिवार के साथ इस पिक्चर को देखना चाहते हैं, तो वाकई पिक्चर अच्छा है, थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा वाकई लोग कितना कष्ट करते हैं अपने बच्चे अगर जब बीमार पड़ जाते हैं किसी भी मामले में, सिर्फ बीमार पड़ने के मामले में नहीं बल्कि उनके पढ़ाई के मामले में कुछ खर्चा करना होता है, तो काफ़ी भारी खर्चा करना होता है, तो उन लोग कितने कष्ट झेलते हैं, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद ही अपने बच्चों को बचा पाते हैं। बाकी इसी तरह इस पिक्चर में ऐसे ही होता है कि आखिर में अपने बेटे को बचा लेते हैं। ये ट्रेलर में इसी तरह दिखाया है, देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगा तो पिक्चर कैसा होगा। बाकी फैमिली मूवी, मैं तो कहता हूँ एक फैमिली मूवी की तरह परिवार के साथ देख सकते हैं हम। मेरे को ये ट्रेलर अच्छा लगा। आपको एक ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।